नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरी। मैं हूं हेमंत गुप्ता। पेश है अब तक की बड़ी खबर। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार के नाम से विख्यात अल्मोड़ा का जल संस्थान लाखों का बिल भरने के बाद भी लोगों को गंदा पानी पिला रहा है। नगर पालिका हो या जिलाधिकारी, सब अपने बयानों में स्वच्छता की बात करते हैं, लेकिन किसी की नज़र हीरा डोंगरी पर बनी पानी की टैंकी पर नहीं पड़ती। जहां हाल यह है कि इस टैंक में ना तो ढक्कन है ना कोई चार दीवारी, कोई भी आकर इसमें कुछ भी डाल दे, कोई पूछने वाला तक नहीं। चारों तरफ जंगल से गिरे इस टैंक में हवा चलने पर पेड़ों से गिरने वाले पत्ते और गंदगी सब इस टैंक में समा जाते हैं, और हर सुबह और शाम के समय इस टैंक से लोगों को पीने के लिए पानी की सप्लाई दे दी जाती है। शायद इसी का असर है कि अक्सर लोग अपने कनेक्शन में कूड़ा आने की शिकायत करते रहते हैं। इसके अलावा यदि स्वास्थ्य के नज़रिए से देखा जाए तो खुली पड़ी टंकी का पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। अगर पिछले सालों में देखा जाए तो अक्सर बरसात के मौसम में अल्मोड़ा में पीलिया से ग्रस्त होने वाले लोगों की तादाद लंबी होती है। शायद जल वितरण में होने वाली लापरवाही इसका प्रमुख कारण भी माना जा रहा है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा से संवाददाता कपिल मल्होत्रा की विशेष रिपोर्ट। आज हम खड़े हैं अल्मोड़ा की ऐसी जगह पे जहां से अल्मोड़ा को मिलता है पीने का पानी। देखने लायक बात यह है कि इस जगह का देखरेख करने वाला कोई नहीं। बड़े बड़े वादे, बड़ी बड़ी बातें करने वाला शहर, स्वच्छता के नाम पे बड़ी बड़ी गोष्ठियां होती हैं, लेकिन जब जनता के स्वास्थ्य की बात आती है तो कोई देखरेख करने वाला नहीं। इन टंकियों का यह हाल है कि इसका मेन गेट टूटा हुआ है, इसके ढक्कन टूटे हुए हैं, यहां कभी भी कोई हादसा हो सकता है। अगर कोई कुछ ला करके इसमें डाल भी दे तो पूरा शहर बर्बाद हो सकता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। कपिल मल्होत्रा, क्राइम स्टोरी, अल्मोड़ा।